हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और हम हैं मोमेंटम कोटा क्लासेस भिलाई। मोमेंटम कोटा क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आया है एक क्विज कंपटीशन, बहुत ही स्पेशल क्विज है। अगर आप इसमें टॉप करते हैं तो आप चुने जा सकते हैं फ्री क्रैश कोर्स के लिए, जहां पर आपको 20,000 का क्रैश कोर्स केवल 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 0 रुपए में मिलेगा, एकदम फोकट में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पीसीबी के लिए अलग, पीसीएम के लिए अलग। पीसीबी मतलब बायो के स्टूडेंट, पीसीएम मतलब मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स। तो जाइए लिंक में और पीएटी, पीपीएचटी, बीएससी नर्सिंग, पीटी, जेई और नीट जैसे एग्जामिनेशंस का क्रैश कोर्स एकदम फ्री पाइए, वो भी ऑफलाइन हमारे इंस्टीट्यूट में। तो जल्दी 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 आ जाइए। और अभी हम आपको पढ़ा देते हैं ब्लड ग्रुप एंड कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस और ब्लड ग्रुप, एक देखिए कोडोमिनेंस का एग्जांपल है ब्लड ग्रुप, और ब्लड ग्रुप जो है वो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्लास 11 का भी टॉपिक है। तो इस हिसाब से हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। कोडोमिनेंस क्या होता है? को का मतलब होता है साथ साथ। को का मतलब क्या होता है जी? साथ। क्या साथ? किसके साथ? अरे किसके साथ नहीं भैया, साथ बोलने से तुम लोग भी यार पढ़ाई लिखाई नहीं ध्यान देते। डोमिनेंस का मतलब तो आपने को पता है, प्रभावित हो, प्रभावित करना, ठीक है, किसी को दबा देना। तो जब दो अलील एक साथ में डोमिनेंट करते हैं, किसको डोमिनेंट कर रहे हैं? किसी को नहीं कर रहे हैं, मतलब दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तब उसे हम कहते हैं कोडोमिनेंस। आसान भाषा में देखें, अगर मान लीजिए आपके आपका ब्लड ग्रुप ए है, तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ब्लड ग्रुप ए कैसे होता है। हम अगर मैं आपको बोलूं कि आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तो इसमें आप दो चीजें यूज करते हो, क्या? एक ये अल्फाबेट और एक पॉजिटिव। दूसरे का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, ए के मामले में आप दोनों सेम सेम, लेकिन प्लस और माइनस के मामले में आप दोनों अलग अलग हो। यानी कि हमारा ब्लड ग्रुप आधा सेम है आधा अलग है। ऐसे कैसे? ऐसे ऐसे कि जब हम बोलते हैं ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव, तो हम दो अलग अलग ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम की बात करते हैं। एक होता है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम और एक होता है आरएच ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। अब ये एबी और आरएच क्या है, किसी को पूछिएगा तो बताएंगे कि एंटीजन होता है। आरएच एंटीजन होता है, ए एंटीजन होता है, बी एंटीजन होता है। अब ये जो एंटीजन होता है, इसकी परिभाषा किसी को नहीं मालूम एंटीजन क्या है। तो आसान से बात है, यदि आपके शरीर में किसी चीज के लिए एंटीबॉडी बन रही है तो वो एंटीजन है। बाहर से धूल का पार्टिकल आ गया, उसके लिए एंटीबॉडी बन गई, तो धूल एंटीजन हो गया। पोलन ग्रेन आ गया, तो उसके लिए एंटीबॉडी बन गई, पोलन ग्रेन एंटीजन हो गया। किसी दूसरे का ब्लड चढ़ा दिया, उसमें कोई प्रोटीन प्रेजेंट है, प्रोटीन के लिए एंटीबॉडी बन गया, एंटीजन हो गया। और कोई बैक्टीरिया घुस गया, बैक्टीरिया केमिकल रिलीज कर रहा है जिसके लिए एंटीबॉडी आपका शरीर बना दे, तो वो बैक्टीरिया का केमिकल एंटीजन हो जाता है। तो एंटीजन कुछ भी हो सकता है, बस उसके लिए एंटीबॉडी बन जाए। तो प्रोटीन भी हो सकता है, लिपिड भी हो सकता है, शुगर भी हो सकता है, जिसके खिलाफ एंटीबॉडी बन गई वो एंटीजन है, ठीक है। अब देखिएगा कि एबीओ ब्लड ग्रुप में आपके पास क्या होता है। यदि आपके ब्लड में ए एंटीजन प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप ए है। अब ये ए एंटीजन क्या होता है? ये ए एंटीजन का मतलब है प्रोटीन ए। असल में हमारे आरबीसी के ऊपर प्रोटीन्स पाए जाते हैं, आरबीसी का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। कुछ प्रोटीन कॉमन होते हैं, सबके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उपस्थित होते हैं, कुछ प्रोटीन स्पेशल होते हैं। अगर आपके आपके आरबीसी के ऊपर केवल ए नाम का प्रोटीन प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप ए कहलाएगा, तो आपका ब्लड ग्रुप ए कहलाएगा। अगर आपके आरबीसी के ऊपर बी नाम का प्रोटीन प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप बी कहलाएगा, ब्लड ग्रुप बी कहलाएगा। अगर दोनों प्रेजेंट है, अगर दोनों प्रेजेंट है, आपका ब्लड ग्रुप ए बी कहलाएगा, और दोनों में से कुछ भी प्रेजेंट नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ कहलाएगा। पहले सी बोलते थे, आजकल ओ बोलते हैं। तो आपके आरबीसी के ऊपर कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है, उस बेसिस पे आपका ब्लड ग्रुप ए बी या ए बी हो सकता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, कि ये ए है कि बी है, कि दोनों है कि दोनों नहीं है, बस यही बेसिस है, ठीक। अब यदि आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपके शरीर में ए प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनेगी, क्या? अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपके शरीर में प्रोटीन ए के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनेगी, क्योंकि वो आपका शरीर है, लेकिन बी के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएगी। अब एंटीबॉडी क्या होती है? आपके शरीर में बी प्रोटीन आया, उससे आपका शरीर लड़ेगा, और शरीर लड़ेगा तो खून का थक्का जम जाएगा, क्योंकि खून में है वो प्रोटीन। तो इसीलिए
आपके शरीर में बी ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ाया जा सकता, ए चढ़ाया जा सकता है। जो भी ब्लड ग्रुप आपके आपका है उस प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनती। तो यदि आपका ब्लड ग्रुप ओ है जिसमें दोनों नहीं है, यदि आपका ब्लड ग्रुप ओ है यानी कि बोथ प्रोटीन एब्सेंट, तो दोनों ही प्रोटीन के खिलाफ आपके शरीर में एंटीबॉडी बन जाएगी। इसीलिए आप फिर किसी से ब्लड नहीं ले पाएंगे, केवल उसी से ले पाएंगे जिसके दूसरे के भी आरबीसी में कोई भी प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए भी है तो आपके में ए भी तो है बी भी है, तो ब्लड ग्रुप ए चढ़ा दो एंटीबॉडी नहीं बनेगा, बी चढ़ा दो एंटीबॉडी नहीं बनेगा, ए भी चढ़ा दो एंटीबॉडी नहीं बनेगा, ओ चढ़ा दो, ओ में तो कुछ है ही नहीं तो एंटीबॉडी कहां से बनाएंगे। समझ में आया? अब ब्लड ग्रुप ए वाले का ए प्रोटीन बनाने के लिए एक जीन चाहिए, बी बनाने के लिए दूसरा जीन चाहिए। ठीक, समझ में आया? अब कैसे होता है, जो जीन है उस जीन का काम क्या है, पहले जीन का ब्लड ग्रुप ए बनाना। ब्लड ग्रुप ए बनाने के लिए जो जीन है उसका नाम है आई, और क्योंकि ये ब्लड ग्रुप ए बना रहा है तो ये है आई ए आई ए। ब्लड ग्रुप बी बनाने के लिए चाहिए आई बी आई बी आई बी। ठीक, और ब्लड ग्रुप ओ बनाने के लिए चाहिए स्मॉल आई क्योंकि ये रेसेसिव है। स्मॉल आई लिखा था मतलब क्या है, ये रेसेसिव है। अगर रेसेसिव है तो किसी और के साथ होगा तो दब जाएगा, अगर रेसेसिव है हेटरोजाइगस कंडीशन में होगा तो दब जाएगा, इसके साथ वाला दिखेगा। मतलब अगर आई ए के साथ स्मॉल आई है तो ब्लड ग्रुप ए ही बनेगा, और आई बी के साथ स्मॉल आई है तो ब्लड ग्रुप बी ही बनेगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ए बी ब्लड ग्रुप का देखिए, ए बी ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप होता है आई ए आई बी। अब आई ए का काम था प्रोटीन ए बनाना, आई बी का काम था प्रोटीन बी बनाना। ठीक है, दोनों जब साथ में आ गए तो क्या होना चाहिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से या तो केवल ए बनता या तो केवल बी बनता, लेकिन ए प्रोटीन भी बनता है बी प्रोटीन भी बनता है, दोनों प्रोटीन बराबर बराबर बनते हैं, और इसीलिए यह कोडोमिनेंस है कि दो जीन है, दोनों जीन दोनों अलील बराबर बराबर अपने आप को शो करते हैं। ये हो गया ब्लड ग्रुप। ठीक, तो इस प्रकार से आपका ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या तो बी होगा या तो ओ होगा या तो ए बी होगा। अब आर एच क्या है, जब आप बोलते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, मतलब आपके आरबीसी के ऊपर एक ए नाम का प्रोटीन है और एक दूसरा प्रोटीन है उसका नाम आर एच है। एक ए नाम का प्रोटीन है, दूसरा आर एच नाम का प्रोटीन है। ठीक, यदि आपका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, मतलब कि केवल ए नाम का प्रोटीन है लेकिन आर एच नाम का प्रोटीन नहीं है, तो आपका क्या हो गया, ए नेगेटिव। ए बी नेगेटिव का मतलब, ए बी नेगेटिव का मतलब कि आपके आपके आरबीसी के ऊपर में प्रोटीन नंबर ए बी है, प्रोटीन नंबर बी भी है लेकिन आर एच नहीं है। और अगर ए बी पॉजिटिव हुआ तो ए बी है बी भी है आर एच भी है। अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है तो ना तो ए बनेगा ना तो बी बनेगा ना तो आर एच बनेगा, और आपका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव हो जाएगा। ये किसी तरीके की बीमारी नहीं है, ये केवल सरफेस शुगर प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, कोई खास इसमें दिक्कत नहीं है। कुछ कुछ जगह पर प्रोटीन्स की जगह पर शुगर लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, क्योंकि ग्लाइकोप्रोटीन है, शुगर और प्रोटीन का मिक्सचर है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। डाउट क्लियरिंग सेशन आपके लिए हम लेकर आए थे। इस सेशन में हमने आपको सिखाया कोडोमिनेंस का बेसिक सा एग्जांपल और ब्लड ग्रुप जो है वो डिसाइड कैसे होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगले आने वाले वीडियोस का इंतजार करिए। और आज के लिए थैंक यू very much।